तो दोस्तों अभी जो आपने सीन देखा, अभी जो तामझाम देखना सुपर हीरो वाली एंट्री जो देखी, वो मैंने यहाँ से करीब एक हफ्ते पहले शूट किया था। बट मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा शूट किया गया है, इतना अच्छा एडिट किया गया है, तो कोई ना कोई ब्लॉग में इसको डालना बनता है। भले रिलेवेंट हो ना हो, लेकिन इसको कोई ना कोई ब्लॉग में डालना बनता जरूर है, और इसी कारण मैंने इसे ब्लॉग में डाला। बाकी मैं अभी लॉकडाउन में आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख रहा हूँ, तो इसको और अपन इम्प्रूव करेंगे। अपना कंप्यूटर भी तब तक थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन उसके बढ़ जाएंगे, एंड व्लॉग्स में भी थोड़ी VFX का झमेला लाने का ट्राई करते हैं, जैसे कि आज किया। बाकी ये तो थोड़ा इनरिलेवेंट टाइप का था, बाकी अपन ट्राई करते हैं। और 19 मई एंड अभी बज रहे शाम के 4:30, और आज का आप मौसम देखो कैसा मौसम है। देखो गाइस आज का मौसम, और ये आज का ही नहीं, आज का रोज ऐसा टाइप का मौसम रहता है, बादल एकदम ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हाँ, तो आप ये जो क्लाउड्स वगैरह देख रहे हो, ये रोज के रहते हैं। तो मैंने सोचा था टाइम लैप्स वगैरह लेने का एक दो दिन पहले, बट मेरे को कंटेंट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर में बैठ के बनाएं क्या लॉकडाउन में ना। चलो ये बातें मैं आपसे नीचे जाके करता हूँ। बाकी कंटेंट में बनाना क्या, व्लॉग बनाना क्या, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, और दिमाग में बिल्कुल मेरे आ नहीं रहा था, इस कारण मैं टाइम लैप्स भी ले रहा था। लेकिन आज अब इतना अच्छा बादल है, तो यार टाइम लैप्स तो बनता है। देखना चाहते हो कि नहीं टाइम लैप्स, देखना है ना? तो चलो फिर टाइम लैप्स है, तो उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक? तो देवी और सज्जू ने यहाँ हमारा टाइम लैप्स चल रहा है, और कैमरा इस तरीके से रखा हुआ है कि हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और हवा भी चल रहा है, और इस बादल का हम लोग टाइम लैप्स ले रहे हैं इस कैमरे के थ्रू, और बहुत ज्यादा डर लग रहा है गाइस, क्योंकि इसके इस ट्राइपॉड का यहाँ पास तो मैं आप लोगों को दिखाऊं तो शायद से ये वाला लेग जो है, ये वाला ये टूट गया है। इसको मैं फिक्स किया हूँ बस, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं और ट्राइपॉड मिल भी नहीं रहा है, तो मेरे को टेंशन आ रहा है, और इस कारण मैं इसी की तरफ देख रहा हूँ, कुछ भी हो तो फट से पकड़ लूँ इस कारण, तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है। हवा भी चल रहा है, बाकी अच्छा लग रहा है। अपन अब टाइम पास कर रहे हैं फ़ोन के साथ, जब तक टाइम लैप कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। बाकी और कोई शॉर्ट्स देखते, कुछ कुछ शॉर्ट्स अपन छत के अपने क्रिएटिव, ठीक, उसके नीचे जाते हैं। So what is up everyone, it's me Somesh SG and welcome back to my YouTube channel. So guys, अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारे शहर में चल रहा है, ऑलमोस्ट सभी जगह भी चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के कारण ना मेरी जो क्रिएटिविटी है व्लॉग बनाने की, कि क्या व्लॉग बनाना चाहिए क्या व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, पूरा एंड हो गया। समझ ही नहीं आ रहा है कि किस टाइप के व्लॉग्स बनाने चाहिए, किस टाइप के व्लॉग्स नहीं बनाने चाहिए, या फिर जो भी है। और इसका एक और कारण है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे अभी कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया, और रेगुलर पोस्ट रील्स वगैरह अच्छे अच्छे मस्त डाल रहा हूँ, तो आपको चेक करना तो आप जाके कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने के कारण मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा ज्यादा इनएक्टिव हो गया हूँ, मतलब दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ऐसा ही होता है मेरे साथ। अगर मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो गया तो दूसरा फिर छूट जाता है मेरे से, उसके बारे में ध्यान नहीं दे पाता, एंड अभी कहीं बाहर जाने को हो नहीं रहा, इस कारण मैं व्लॉग्स बना नहीं पा रहा हूँ। और तो ऐसे कितने दिन तक चलेगा, लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे कितने दिनों तक हम करते रहेंगे। इससे अच्छा आज एक कैसा व्यू, आज एक व्लॉग बनाना था मेरे को, और ये है वो व्लॉग। और पता नहीं इस व्लॉग में अपन क्या करेंगे, उतना कुछ मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग जरूर करेंगे। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं व्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ, तो आज मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है व्लॉग बनाने में। लेकिन कितना भी अजीब लगे यार, जब ऐसे कैमरा को इस तरह से हाथ में लेके ऐसे व्लॉग बनाते हैं ना, तो कितना भी अजीब लगे वो सब दूर हो जाता है, सब दूर हो जाता है। और इतना मजा आता है ना व्लॉग बनाने में सीरियसली, जैसे कैमरे को पकड़ के, फोन में उतना मजा नहीं, लेकिन कैमरे को जब पकड़ के ट्राइपॉड में व्लॉग बनाने का जो मजा आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। एंड गाइस, जो आज की कहानी का हीरो है, जिसके नाम पे आई थिंक मैं इस व्लॉग का टाइटल रखने वाला हूँ, वो है ये। और
ये दोनों आज की कहानी की हीरो है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल से, अपने आईफोन से, अपने एंड्रॉइड जो भी फोन है, अपने फोन से आप मोटो ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। आई नो इस वीडियो को बहुत लोगों ने कवर करके रख चुका है, ये कोई स्पेशल एकदम ऐसा एक्सपेरिमेंटल वीडियो नहीं कि मैंने इन्वेंट किया, मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज मैंने भी किया है, तो अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो ये देख के कर सकते हो। बाकी मैं कुछ आप लोगों को डिस्क्लेमर भी दूंगा, मानना हो तो मान लो, ये तो आपकी मर्जी है। तो कर दिखाता हूँ क्या करना है। दोस्तों हमारा हेलमेट, और इस हेलमेट पे क्या लगा है आप लोग देख सकते हो, इसमें लगा है गोप्रो का माउंट। एंड ये माउंट मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ, निकालना इसको जरा मुश्किल है। One eternity later. पर नहीं कर रहा है। तो ये है GoPro का माउंट, एंड मैंने इसको इसलिए लगाया है क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन में एक एक्शन कैमरा लेने वाला हूँ, नॉट फॉर मोटो ब्लॉगिंग। मोटो ब्लॉगिंग मेरे को करना है, बट एकदम ज्यादा मेरे को मोटो ब्लॉगिंग नहीं करना है। जब मैं किसी ट्रेवल पे जाऊँ या फिर बाइक राइड पे जाऊँ तभी मैं मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, ऐसे मैं मोटो ब्लॉग नहीं करने वाला। तो मैं अभी जो एक्शन कैमरा लूँगा वो GoPro नहीं होगा, मतलब अभी मेरे को नहीं लगता कि मेरे को GoPro लेना चाहिए, मैं ऐसे कैमरा वगैरह लूँगा। वो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, देन उसके बाद देख के आप लोगों को बताऊँगा। बाकी आप लोग ये सोचोगे कि सोमेश भाई जब तू एक्शन कैमरा अभी तक लिया नहीं है तो इसको लगा के क्या मतलब, क्यों लगाया इसको? तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं थोड़े बहुत ऐसे वीडियो स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पर, मेरे को एक वीडियो दिख गया मोबाइल से मोटो ब्लॉग करने वाला। तो मोटो ब्लॉग करने के लिए मैंने टेस्ट किया अपने फ़ोन को, तो ये वाला होल्डर बस मेरे को मंगाना पड़ा, और ये वाला होल्डर मंगाने के बाद मैं अपने आईफोन से मोटो ब्लॉग कर सकता हूँ। देखना आप लोगों को, देख लेना थोड़ा जरूर। तो गाइस ये हमारा हेलमेट, और इसमें जो माउंट लगाया है ना, ये माउंट लगाया इस तरीके से, ये माउंट तो आपको किसी भी एक्शन कैमरे के साथ मिल जाएगा। अगर आपके एक्शन कैमरे भी आते हैं उसका लिंक डाल दूंगा, बाकी के साथ भी ये माउंट भी आता है, ये अलग से आता है, ये वाला माउंट आपको लेना पड़ेगा, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। इसको मैंने लॉकडाउन में पहले लिया था, देन लॉकडाउन वगैरह होने के कारण मैं इसको अच्छे से सेट नहीं कर पाया था। तो ये वाला जो माउंट है उसको, मतलब ये दो टाइप का माउंट है, एक टाइप का माउंट है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ये हेल्प करता है जो विंड आती है आप फोन के आप गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको ये एक तरफ से हटा देगा और एक तरफ से रह गई। तो ये थोड़ा सा रिस्क वाला पॉइंट है क्योंकि आपका फोन बहुत ज्यादा एक्शन की वजह से ज्यादा हैवी होता है, और ज्यादा हैवी होने के कारण आपका फोन गिर भी सकते हैं। एंड इस तरह इधर आपको ये वाला जो माउंट है, ये वाला लगा है, इधर नहीं है, मैंने आप लोगों को दिखाया रहता। हाँ, तो ये वाला जो माउंट है, ये वाला माउंट है इसको भी आप लोगों को अलग से लेना पड़ेगा। मैंने सर इसको 180 में लिया था, बहुत पहले लिया था इसको भी। ये आपको तीन चीज़ें लेनी है, देन आपको इसको एम सी सी दिखाना है, आप फुल वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो जिसमें आपको पर बता दें कैसे करना है, अच्छे से सिखाना नहीं था तो गाइस ये बन गया, और ये मैंने लगा दिया है उल्टा। हाँ, अब जिसको आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो, आपको इस तरफ भी लगाना चाहो इस तरफ भी लगा सकते हो, इस तरफ लगाना चाहो इस तरफ भी लगा सकते हो। बाकी मैंने इस तरफ से लगा लिया, आपको इस तरफ से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी मैं इसमें आपको फोन को माउंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पास इसको अपन निकालते हैं, अपना फोन माउंट करते हैं। Thank you.
तो मेरे दोस्तों, ये तो आप लोगों ने देख लिया कि इसको इस कैमरे को सेट कैसे करना है। देखो कैमरा अभी भी चालू है, तो इसको सेट कैसे करना है आप लोगों ने तो देख लिया, लेकिन इसकी टेस्टिंग भी तो जरूरी है ना। जरूरी है ना, हाँ। तो टेस्टिंग जरूरी, इसलिए अपन इसको अब लेके जाएंगे बाहर। थोड़ी जाते हैं बाहर बाहर, बाइक वाइक स्टार्ट करते हैं एंड थोड़ा मोटो ब्लॉग करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने जो बताया वो अच्छा साबित होता है या नहीं, या सोमेल भाई ने कुछ गलत तो नहीं बता दिया। चलो जाते बाहर, और बाहर जाके मोटो ब्लॉग टेस्ट करते एंड आप लोगों को दिखाते हैं। चलो फिर, लेकिन 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 एक दिक्कत ये कि मेरे पास जो माइक है जो मैं अभी इसमें यूज कर रहा हूँ वो मैं इस आईफोन में यूज नहीं कर सकता। आईफोन में माइक यूज नहीं होता, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। इसमें 3.5mm का जैक नहीं है, तो इसमें माइक एक्सटर्नल अटैच नहीं होगा एंड माइक एक्सटर्नल माइक ना होने का शायद बाइक में मेरी साउंड बहुत ज्यादा कम है या फिर नॉर्मल है, ये अभी अपन उसमें जाके देखेंगे। तो मेरे को सिर्फ ये छोटा सा एक डाउट है कि साउंड कैसा आता है, बाकी सब बढ़िया है गाइस। तो चलो जाके टेस्ट करके देखते हैं। तो चलो जी, फिर अपन टेस्ट करके आते हैं, देखते हैं कि ये वर्क कैसा करता है ये अपने बाइक की चाबी। चलो चलते हैं। ऐसा दिखता है गाइस, ऐसा सेट करने में मोबाइल व्लॉगिंग, मोबाइल से फोटो व्लॉगिंग करने में ऐसा दिखता है ये अपना कैमरा। तो चलो अपन व्लॉग करके आते हैं थोड़ा सा गाड़ी में, उसके बाद आते हैं टेस्ट करते हैं इसे। एंड आई थिंक एंगल तो ठीक है, बट एकदम वाइड नहीं आएगा एंगल, बिकॉज इसमें वाइड एंगल कैमरा नहीं है। आईफोन 10R है। अगर आईफोन 11 होता तो क्या बात है। तो अभी अपने को जाना है हमारी बाइक को सर्विस करवाने के लिए, शोरूम में देने जाना है। शोरूम खुल गया है और शोरूम में सर्विस भी हो रही गाड़ी, तो अपने को सर्विस में देने जाना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी में दिक्कत क्या क्या है। बाकी शोरूम में तो बस उसकी वॉशिंग, चेन क्लीनिंग एंड जो खटर फटर आवाज आ रहा है वही सब ठीक होगा। बाकी इसकी गाड़ी के मेरे को टायरों को चेंज करना है, लेकिन टायर बहुत ज्यादा खराब हो गए, बहुत ज्यादा पुराने हो गए, तो थोड़े दिन में अभी टायर को चेंज करेंगे। आज तो नहीं, लेकिन थोड़े दिन के अंदर करेंगे। बाकी अपन जाते हैं और बाइक को सर्विस कराते हैं। तो दोस्तों अभी हो गया है काम, सर्विस में दे दिया गया बाइक को, और मैं अभी पैदल जा रहा हूँ आगे रोड तक, और यशस्वी आ रहा हूँ ऐसे बोल रहे हैं अपनी गाड़ी लेके।
लेकिन अभी तक आया नहीं है, लेट हो गया। बाकी यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, तब तक वो आ जाएगा। और बोला कि गाड़ी को शाम के ला लेना, 5 बजे आ जाना। और 5 बजे सभी दुकानें बंद हो जाती है, मेरे को 5 बजे 5 बजे पहले आके लेना पड़ेगा। उसके बाद आऊँगा तो आज मेरे को गाड़ी नहीं मिलेगी। चलो फिर घर चलते, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ। काफ़ी दुकाना मेरे को तो। ऑलराइट गाइस, यही था आज का वीडियो, मतलब आज और कल का दोनों का मिला के यही था एक वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो भी लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक करो तो ज़्यादा अच्छा है यार। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे थोड़े व्लॉग टाइप की चीज़ लाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैं इसमें एकदम लाइफ स्टाइल व्लॉग नहीं बनाता। यूट्यूब में मैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाता, कंटेंट से रिलेटेड ब्लॉग ज़्यादा बनाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे अब थोड़े लाइफस्टाइल ब्लॉग्स को बनाने का ट्राई करूँगा। बाकी अभी कंफर्म नहीं है, बट ट्राई जरूर करूँगा। तो आप लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी आप इंस्टाग्राम पे एक से एक रील्स बनाते हैं और फोटोज वगैरह भी खिंचाते रहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड अभी कॉन्टेंट बिल्कुल भी मिल नहीं रहे, कहीं जा नहीं सकते, कहीं बाहर नहीं निकल सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, ऐसा सीन है अभी सब जगह में, हमारी सिटी में सब जगह में ऐसे टाइप का सीन है। इस कारण कंटेंट मिलता नहीं है, तो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी यही था आज का वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस मेक श्योर यू लाइक बटन, नए हो जाओ जाके सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं और एक एक्साइटिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड आफ्टरनून एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। यार गर्मी है ब्रो, चलो फिर मिलते हैं।